नमस्कार, मैं अभी कांग्रेस भवन में खड़ी हूं। जैसा आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं जीएन भारत और राज्यसभा से रिलेटेड पल पल की खबर हम आपको देते आ रहे हैं। आपको बता दें कि झामुमो और कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर थोड़ी अनबन हुई थी, जहां एक ओर झामुमो ये कह रही थी कि हम अपना उम्मीदवार भेजेंगे, वहीं कांग्रेस कह रही थी कि इस बार हमें चाहिए क्योंकि पिछले बार हमने शिबू सोरेन को मौका दिया था। लेकिन झामुमो ने इसी पर कहा था कि ऐसे आंखें दिखाकर हमसे सीट ना मांगे, बल्कि प्रेम से मांगे, याचिका से मांगे, तब जाके कुछ होगा। ये अनबन में ये एक बहुत प्रेडिक्शन था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन आज जो अभी जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से, एकदम पुष्ट खबरें है ये कि हेमंत सोरेन दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास में मिले हैं। और सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा सीट की बात की तो सीएम हेमंत सोरेन बहुत ही पॉजिटिव रुख अपनाते हुए उन्होंने उनकी बात को स्वीकारी। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को कहीं ना कहीं राज्यसभा का सीट मिलना तय हो गया है। वैसे हमने राज्यसभा के उम्मीदवार राजेश ठाकुर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे बात भी की और उन्होंने कहा कि ये महज एक अफवाह है, सोनिया गांधी जो फैसला लेगी वो अंतिम फैसला होगा। लेकिन अंतिम फैसला सूत्रों के हवाले से यही होगा कि राज्यसभा का सीट कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर को मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें सुबोध कांसा है और भी कई उम्मीदवार थे जो लग रहा था, लेकिन फाइनली आज शाम तक घोषणा हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कौन होगा, उसका अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा। अरे कोई कंफर्मेशन जो भी होगा वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बताती है, सूत्रों के हवाले से ये सारी चीजें चल रही हैं। हमारा कहीं कोई ना तो हमने प्रयास किया है और ना हम इसके बहुत इच्छुक हैं। हम चाहते हैं कि कोई वरीय नेता झारखंड से जाए और जो हमारे AICCA की हमारी अध्यक्षा हैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो जो निर्णय लेंगे वो सिर्फ माथे पर। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।